हेलो गाइस, मेरा नाम अमित, आप मेरे चैनल देख रहे हो जीडी गेमर मोड्स। वेलकम टू जीडी गेमर मोड्स गाइस। तो आज हम लोग अभी डाउनलोड करने वाले मर्सिडीज CLA 45 AMG जो लेमोजिन आती है गाइस, जो हमारे जो गेमर्स इन्फो वाले ब्लॉग्स में यानी कि माइकल के पास यानी कि गोल्डन कलर की जो गोल्डन कलर की यानी जो कार है लेमोजिन, तो यही है। तो हम लोग इसको यानी कि एड ऑन वाली नहीं है गाइस, ठीक है, एक बार सुन लीजिएगा गाइस, ठीक है। एड ऑन वाली नहीं है, ये रिप्लेसमेंट वाली है। रिप्लेस कैसे करते हैं, हमारे जो गेम के अंदर जो डाला होता है यानी कि इस वाले जो नाम से, तो उधर हम लोग यानी कि कैसे रिप्लेस करें गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में कि भाई हम लोग को मर्सिडीज को कैसे रिप्लेस करते हैं, लेमोजिन को रिप्लेस कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज का यानी कि आपको चाहिएगा यानी कि इसकी फाइल और रिक्वायरमेंट क्या है आपको बता देता हूं। OpenIV आपको यानी कि कंपलसरी, यानी कि मर्सिडीज को भी यानी कि कार आप लोग ऐड करते हो गाइस, उसमें यानी कि कंपलसरी आप लोगों को यानी कि गाइस चाहिएगा यानी कि OpenIV, उसके बिना यानी कि आपका यानी कि जो कार है वो ऐड नहीं हो पाएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है भाई, तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उधर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपको ओपन करने का इधर एक्सट्रैक्ट कर देने का गाइस, ठीक है। तो हम लोग यानी कि 7-zip से हम लोग हर एक बार में करता रहता गाइस। तो एक्सट्रैक्ट मैंने कर दिया, तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको नीचे कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो OpenIV को ओपन करते गाइस। OpenIV ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करने का वो आपको मैं बता दूं, कहाँ आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करने का है और रिप्लेस यानी कि जो बोलता हूँ मैं, तो रिप्लेस कहाँ करने का गाइस, ठीक है। तो चलिए रिप्लेसमेंट पर चलते हैं। फोल्डर को आप लोगों ने ओपन करने का गाइस। ओपन हो जाएगा, उसके बाद यानी कि आपको ऑलरेडी यानी कि इन लोगों यानी कि रेडमी फाइल आप लोगों को दिए होते गाइस, ठीक है। तो नीचे के साइड आओगे तो इधर आप लोगों को मोड्स को यानी कि कहाँ रिप्लेस करने का है वो सारी के सारी इधर आप लोगों को रिक्वायरमेंट बताई गई है, ठीक है गाइस। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, उसको यानी कि नीचे मिनिमाइज कर देंगे। एडिट मोड हमेशा आप लोगों को ओपन रखने का गाइस, ठीक है। तो साइड पैनल में आप लोगों को यानी कि इधर देख रहेगा X64W, इसको ओपन करने का है। तो आपको सिंपल यानी कॉपी मोड्स फोल्डर में आप लोगों को भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली करता हूँ हर एक बार की। और समय आपको पहला जो वीडियो भी था रिप्लेसमेंट वाला, उधर भी मैंने बोला था गाइस, तो आप लोग प्लीज यानी कि मोड्स वाले फोल्डर में कर दीजिएगा, ठीक है। जो स्टोरी का इश्यू हो गाइस, तो यानी कि आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत की बात नहीं आती गाइस, ठीक है। तो DLCs पैक ओपन हो जाने के बाद MP बिजनेस में आप लोगों को जाने का DLCs.RPF X64 लेवल्स लेवल्स में जाने के बाद GTA 5, शायद GTA 5 है तो मैं श्योर नहीं है, यस GTA 5 व्हीकल्स में जाने का, ओके। तो GTA 5 व्हीकल्स और आपको यानी MP बिजनेस vehicles.RPF की आपको फाइल्स मिल जाएगी, उधर आप लोगों को यानी कि इधर कर देने का रिप्लेस, ठीक है। तो पहले ही आप लोगों को मैं बता देता हूँ गाइस, आप लोगों को सुन लीजिए एक बार, आपको जो डायरेक्टली कर रहे हो यानी कि जो कॉपी मोड्स फोल्डर में लोड नहीं कर रहे हो गाइस, डायरेक्ट करो तो यानी कि ये तीनों फाइल आप लोगों को कॉपी करके अपने गेम की मेन डायरेक्टरी पर नहीं सिर्फ बाहर यानी कि डेस्कटॉप पे सेव करके रख दीजिए गाइस, ठीक है। यानी कि बाई चांस हमारा जो ये हमें जो ये कार है गाइस वो शायद ही ना चले तो उसके बाद ये चल जाए गाइस, ठीक है। इसको सिंपल यानी कि करेंगे हम लोग यानी कि इधर ड्रैग एंड ड्रॉप गाइस, ठीक है। तो इधर मैं एक बार कर लेता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। एडिट मोड हमेशा ओपन रखने का है, तो मैं इधर एडिट मोड यस कर देता हूँ फिर से। तो मेरी ऑलरेडी फाइल अंदर इंस्टॉलेशन है गाइस, इसलिए मैं इंस्टॉलेशन नहीं करूंगा। तो मेरी ऑलरेडी माइकल वाले जो ब्लॉक्स होते हैं इसमें यानी कि यही गाड़ी इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो ये रहा लुक इस टाइप का है गाइस, ठीक है। तो हम लोग यानी कि चलते हैं गाइस फटाफट से अंदर ही, तो गेम के अंदर अभी चलते हैं। तो आप लोगों को पहले से यानी कि ये फाइल आपको तीन फाइल को आपको कॉपी करके यानी कि फोल्डर में यानी कि सेव करके रखने के बाई चांस यानी कि आप लोग मोड्स इंस्टॉलेशन करो गाइस, ठीक है। तो तभी यानी कि रन ना हो जाए तो हमारे पास एक बैकअप फाइल हो जाए, तो बैकअप फाइल से हम लोग इसको फिर से हम लोग रिप्लेस कर सकते हो, गेम आपकी रन भी हो सकती है गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी गेम के अंदर चलते हैं गाइस। तो गाइस आपकी जब भी इंस्टॉलेशन यानी कि जो रिप्लेसमेंट जो फाइल थी वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करने का है वो आपको मैं बता देता हूँ गाइस, ठीक है। तो आपको एक फाइल की जरूरत पड़ेगी गाइस, ठीक है। तो आपको ये चाहिएगा एक मेनू ड्राइवर, तो उसको यानी कि डाउनलोड करके रखना गाइस, ठीक है। तो सिंपली मेनू ड्राइवर कैसे ओपन होती है, F8 से ओपन होती है गाइस। F8 में जाने का व्हीकल्स ऑप्शन गाइस, ठीक है। व्हीकल्स ऑप्शन में जाने के बाद व्हीकल्स स्पॉनर में आप लोगों को जाने का है, और यानी कि इधर आप लोगों को कैटेगरी डालने के स्पॉट्स वाली जो कार्स होती है इसमें, और यानी कि आप लोगों को ये वाली यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर की जो एप्पल वाली जो है गाइस उसमें यानी कि आप लोगों को क्लिक करने का गाइस, ठीक है। तो ये आ चुके हमारे जो लेमोजिन, इसमें आप लोग अपडेट भी करवा सकते हो, जो आप लोग हमारे जो ब्लॉग्स देखते हो गाइस तो उसमें यानी कि मैंने मेनी भाई से पास से जाके पूरी अपडेट करवाई थी गाइस, ठीक है। तो उधर भी आप लोग जाके यानी कि अपडेट भी करवा सकते हो गाइस, ठीक है। तो इसका हम लोग अभी साउंड भी एक बार सुन लेते गाइस, सुन लीजिए एक बार साउंड
बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला साउंड आ रहा है। अंदर के इंटीरियर का कुछ बातचीत करो गाइस आप लोगों के साथ, तो अंदर का इंटीरियर कुछ इस टाइप का है गाइस। तो सामने जो स्पीडोमीटर है वो भी एकदम परफेक्टली वर्कआउट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, परफेक्टली वर्कआउट है गाइस। मैं खुद ही इसको यानी कि गेम के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ गाइस, ठीक है। तो अभी इसकी बारी यानी कि भाई डोर ओपन करने के गाइस, ठीक है। तो डोर ओपन करते व्हीकल स्पॉन्डर में जाने के बाद, सॉरी व्हीकल स्पॉन्डर क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, तो मेन्यू कस्टम पे जाने के बाद आप लोगों को जाने के डोर पे। तो आप लोग सभी लोग यानी कि मेरे को एक बार कमेंट में बताने के भाई नेक्स्ट वीडियो कौन सा लाओ गाइस, ठीक है। तो ये सभी के सभी डोर ओपन हो चुके गाइस, ठीक है। तो अभी यानी कि आगे का साइड इंजन पूरा तरीके लगा हुआ है मर्सिडीज का AMG तरीके से, ठीक है गाइस। इसको भी अनलॉक कर देते हैं फटाफट से गाइस। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी स्पीड टेस्टिंग हो जाए गाइस। तो स्पीड टेस्टिंग के लिए 1, 2, 3 अभी बोलना मैं जरूर नहीं समझूंगा, निकल चुके हम लोग अभी। तो अभी यानी कि चलते हैं। तो तेरी ये बड़ी सी यानी कि गाड़ी है, तो इससे एक साइड नम चुकी थी और एक पीछे के साइड से हम लोगों को एक मर्सिडीज का पूरा एक लोगो भी मिल रहा है गाइस। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है, मॉडिफिकेशन के बाद और भी तगड़ी लग सकती है। जो मेरा वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है गेम्स इन्फो के अंदर, तो उधर भी आप लोग जाके देख लीजिए गाइस, ठीक है। तो अभी यानी कि 156 की स्पीड है गाइस। अपडेट के बाद यानी कि मैं आपको बताऊँ तो यानी कि 170 तक यानी कि कम्प्लीटली जाती है गाइस, ठीक है। तो 160 तो आराम से जा रही है गाइस, तो एकदम परफेक्ट है गाइस। तो आज का वीडियो भी इतना रखते गाइस, यानी कि लैम्बोसेंट आप लोगों को डाउनलोड करके अच्छा लगा हो गाइस, तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब भी जल्दी से यानी कि 200 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दीजिए। तो अभी यानी कि 150 तो सब्सक्राइब कंप्लीट उड़वा दे आप लोगों ने करवा दिया गाइस। तो 160 भी ऑलरेडी, सॉरी 160 में क्या बोल रहा हूँ, 200 सब्सक्राइब जल्दी से यानी कि करवा दीजिए गाइस। तो चले आज का वीडियो हम लोग इतना रखते गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट नहीं कमेंट, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके जाओ। और उसी के साथ साथ गए यानी कि ये शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोगों में हर एक बार की तरफ मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट वीडियो भी एंजॉय करके जाओ गाइस, ठीक है। तो थैंक यू।